नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मुंह के छाले हमें बहुत तकलीफ देते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मुंह में छाले होते हैं। मुंह के अंदरूनी हिस्सों में होने वाले छाले कई कारणों से होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कारण है पेट का साफ ना होना। पेट में जिन लोगों की कब्ज की वजह से गर्मी भर जाती है, अधिकतर लोगों को इसी कारण से छाले होते हैं। इसके अलावा हार्मोनल संतुलन बिगड़ने की वजह से भी छाले होते हैं। किसी भी प्रकार की चोट गले या जीभ में लग जाती है तब भी छाले हो जाते हैं। अक्सर एक कारण और होता है जो कि महिलाओं में कॉमन है, पीरियड्स। हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उसकी गर्मी की वजह से भी महिलाओं को छाले हो जाते हैं। हालांकि बाजार में इनको ठीक करने के लिए कई सारी दवाइयां मिल जाती हैं, आज हम आपको छालों को ठीक करने का घरेलू उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखना होगा, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज नए नए वीडियो आप तक आते रहें और आप उनसे उनका फायदा उठा सकें। मुंह के छालों के लिए सबसे आसान चीज है बर्फ। छालों पर ठंडी बर्फ लगाने से तुरंत फायदा मिलता है। यदि आप बर्फ का एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं और 5 मिनट के लिए, तो यह दर्द और सूजन दोनों को कम करने का कार्य करता है। यदि बच्चे को छाले हो जाएं, तो उस स्थिति में कच्चे दूध का उपयोग करें। रुई की सहायता से लेकर जहां जहां छाले हैं वहां वहां पर लगाएं। ऐसा दिन में 4 से 5 बार करें तो मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जो वायरस से लड़ने में मदद करता है। यदि बड़े लोगों को अर्थात एजिड लोगों को छाले हुए हैं, उनके लिए लहसुन रामबाण इलाज है। 2 से 3 लहसुन की कलियां लेकर उनका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जो भी छाले वाली जगह है उस जगह पर लगाएं और 15 मिनट तक उसे लगा रहने दें। इसके बाद मुंह धो लें और साफ कर लें। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो छालों को एक रात में खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।